बोलबम किनारों के साथ बक्सर स्टेशन से रवाना हुए श्रद्धालु, ट्रेनें पकड़ने की लगी होड़, ट्रैक पर दिखे कांवरिया। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। सावन का महीना चल रहा है और भक्त उत्साहित हैं और बाबा के दर्शन को लेकर लगातार अपने साधन के अलावा ट्रेनों से भी रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में बक्सर रेलवे स्टेशन पर बोलबम के नारों के साथ श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि ट्रेनों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु बोलबम के जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन के लिए निकल रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों हर तरफ भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ के जयकारे और बाबा के दर्शन के अभिलाषी महिलाएं एवं पुरुष तथा बच्चे, भक्तों का उत्साह चरम पर है। इसी दौरान प्लेटफार्म पर मिले एक श्रद्धालु ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बाबा धाम लगातार जाते हैं और वह बाबा पर जल अर्पित कर खुद को धन्य करते हैं। इस साल भी अपने कई साथियों के साथ वह बाबा धाम के लिए निकले हैं और उनके अंदर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बताते चले कि बैजनाथ धाम के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां सुल्तानगंज से डाक बम तथा कंवरिये गंगा जल लेकर दुर्गम से दुर्गम रास्तों को पैदल यात्रा कर निजी साधन से बाबा को जल अर्पित करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। संजीव उपाध्याय, सिटी न्यूज की रिपोर्ट, बक्सर से। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप लोग? बक्सर से सुल्तानगंज जाएगा, सुल्तानगंज पर दौड़ उठाकर देवघर जाएंगे। कितने साल लगातार हो गए? ये हमारा चौथा साल है। चौथा साल कोरोना का वजह से दो साल नहीं हम लोग जाए। अच्छा, तो अभी अभी कितने की संख्या में आप लोग जा रहे हैं एक साथ? हम लोग दस बम है। दस बम है एक साथ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल राय। अभी बोलबम की धूम मिलती है।